नमस्कार दोस्तों, करियर टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर टच। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि लॉयर कैसे बने या वकील कैसे बने। इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि सक्सेसफुल वकील या लॉयर कैसे बने। देखो, लॉ करने का अगर आपका सपना है, आपको लॉ में जाना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लॉयर का वर्क क्या होता है। जैसे आप कोर्ट में जाते हो, मूवीज में देखते हो कि लॉयर किसी कोर्ट में जा करके न्याय के लिए लड़ता है। बहुत सारे ऐसे लॉयर होते हैं कि जो गलत गलत चीज के लिए लड़ते हैं, बट वो जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट उनका भगवान होता है और उसी बेस पे वो काम करते हैं। लॉयर अगर बनना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन दो तरह से लॉयर आप बन सकते हो, तो 12th बेस पे और दूसरा है ग्रेजुएशन बेस पे। 12th बेस पे जो लॉयर बना जाता है उसमें 5 साल का कोर्स होता है लॉ का, और जो ग्रेजुएशन बेस पे बना जाता है उसमें 3 साल का कोर्स होता है। तो लॉयर बनने के लिए सबसे पहले आपको जो ये एलिजिबिलिटी थी वो मैंने बता दिया। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लॉ कर सकते हो, चाहे आप कॉमर्स से पढ़े हो, चाहे आप साइंस से पढ़े हो, चाहे आप आर्ट से पढ़े हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथ, कोई भी स्ट्रीम से हो आप तो लॉ कर सकते हो। उसके अलावा सेम ग्रेजुएशन में भी, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन और मास्टरी में, अगर फिर आपको लॉ करना है तो आप इजिली कर सकते हो लॉ कॉलेज से। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर ये होता है कि आपको जो लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्रैक करना पड़ेगा। एक 12th बेसिस पे होता है, एक ग्रेजुएशन बेसिस पे। उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, आपके रैंक के हिसाब से कितनी रैंक आती है। एक चीज और मैं बता दूं, लॉ करने वही लोग जाएं जो इंटरेस्टेड हो। ऐसे लोग मत जाए कि जो सोचते हैं कि लॉ में बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, ऐसे ही बना लेंगे। ये बात बड़ा फैक्ट है कि लॉ में बहुत पैसे हैं। इतने पैसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो एक वकील बनने के बाद आप कितना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये वही वकील कमाते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लॉ एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके करियर ऑप्शन के रूप में, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग की तरफ रुझान ले रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, तो लॉ की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो लॉ एक अच्छा विकल्प आप सब लोगों के लिए करियर ऑप्शन हो सकता है, 12th के बाद भी और ग्रेजुएशन के बाद भी, जिसपे हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके गांव के या शहर के या कस्बे के कचहरी में बहुत सारे वकील हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो लॉ करना बेकार है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि वही सुप्रीम कोर्ट के भी लॉयर हैं, वही हाई कोर्ट के भी लॉयर हैं, जिनकी एक टाइम की फीस, एक हियरिंग की फीस लाखों में है। तो ये चीज भी आप माइंडसेट में रखो। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव वे में भी लो। आपकी इस पॉइंट से हम पॉजिटिव वे में रहेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी ये लॉ एक अच्छा करियर ऑप्शन है, और जो लोग इंटरेस्टेड ऑब्वियसली करने जरूर जाएं। क्योंकि देखो, लॉ जब आप करोगे ना तो स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ती है, ये चीज है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे अपने काम करना पड़ता है, आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना आना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, और बात करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसे लोग मत जाएं जो लोग सामने हेजिटेट होते हैं बोलने में। ऑल्दो जब आप कोर्स करोगे तो प्रैक्टिकली ये सब चीजें निकाली जाती हैं आपके अंदर से, कि आप जज के सामने खड़ा होकर के किस तरह से बहस करोगे, किस तरह से अपना पॉइंट रखोगे, किस तरह से चीजें काम कर दें, ये सारी चीजें रखनी पड़ती है, तभी आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो। और कमाने की बात अनलिमिटेड है, करोड़ों भी कमा रहे हैं कमाने वाले हर साल, और न कमाने वाले 25-50 हजार रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं पर मंथ। तो ये एक बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन था। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। सेम वीडियो को मैंने रिपीट इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था कि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचे और ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचे, और आप लोग समझे कि लॉ एक बहुत बड़ी चीज है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इस इंडिया में जो आपके करियर को संवार सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इतनी फीस भी नहीं है जितनी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप फीस खर्च करते हो, उतनी फीस भी नहीं है। तो जो मैंने डिटेल बताई है, जिन लोगों को अच्छा लगे वो वीडियो यार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और लॉ में आप एक अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हो। तो बस, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दो। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।